हेलो गाइस, वेयर बैक विद अनदर वीडियो। और इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी पोएम द पोएम विद डिसेबिलिटीज, जिसको लिखा है जिम फेरिस ने। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। एंड बेसिकली पहले हम जान लेते हैं हमारे पोएट के बारे में। तो बेसिकली बहुत ही इंस्पायरिंग पोएट हैं ये, क्योंकि बींग अ डिसेबल पर्सन इन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। और इनकी जो पोइट्री है, जो इनकी लिटरेरी वर्क्स है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, बहुत रिकग्नाइज हैं वो आज की डेट तक। तो एक जो इनकी पॉइंटेंट पोइट्री है, उसमें से एक है द हॉस्पिटल पोम्स। एक पोइट होने के साथ साथ ये डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट भी हैं और एक एकेडमिक भी है। एडवोकेसी फेरिस एडवोकेटेड फॉर डिसेबिलिटी राइट्स, प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी। इन्होंने डिसेबल पर्सन के लिए, डिसेबल पीपल के लिए क्या बोलते हैं, वर्क किया है, अपना एफर्ट्स दिए हैं ताकि उन लोगों को भी प्रॉपर इंक्लूजन मिले, उन लोगों को भी प्रॉपर चांस मिले हर फील्ड में। इनका जो वर्क है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर द आर्ट्स फेलोशिप इन पोएट्री, इसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली है, बहुत ज़्यादा ये फेमस हुआ। सो लेट्स बिगिन विद द पोम नाउ। सो स्टार्ट होती है कुछ ऐसे। आई एम सॉरी, द स्पेस इज रिजर्व फॉर पोम्स विद डिसेबिलिटीज। तो ये स्टार्टिंग में ही एक डिसेबल जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, उसको लेके चलते हैं कि अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो ऑब्वियसली वो एक नीची नजर करके बोल रहा होगा। तो स्टार्ट ही होती है सॉरी बोलते हुए पोम, कि मैं माफी चाहता हूँ, ये जो इस पर्टिकुलर जिसे मैगजीन में छप रही होगी, जहां भी छप रही होगी उसके लिए, उस कंटेक्स्ट में है ये, कि जो स्पेस है ना पर्टिकुलर इस मैगजीन का या इस बुक का, ये रिजर्व्ड है ऐसे लोगों की पोएम्स के लिए जो डिसेबल पर्सन ने लिखी है, ऐसी पोएम्स के लिए। आई नो इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्पेसेस इन द बुक, बट द पोएम्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट रिक्वायर्स अस टू मेक ऑल रीजनेबल अकोमोडेशन फॉर पोएम्स दैट आरंट नॉर्मल। जिम फेरिस कहते हैं हाँ, ये जो जो पर्टिकुलर स्पेस रिजर्व है ना, ये है तो ऐसी स्पेस जिसमें हम बहुत खुश होते हैं कि हमको चांस दिया गया है पोइट्री लिखने का, पोएम अपने वर्क्स को आगे रिप्रेजेंट करने का पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। पर हमसे जो उम्मीदें लगाई जाती है ना, कि जो डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसमें हमसे ये उम्मीद होती है कि हम ऐसी पोएम्स लिखेंगे जो नॉर्मल नहीं होंगी, विच डू नॉट फिट इन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल पीपल, जो डिसेबल नहीं है, नॉन डिसेबल। देर इज अ नाइस पेज जस्ट अ फ्यू पेजेस ओवर, इन फैक्ट डोंट टेल एनी वन, आई थिंक इट्स बेटर। ये कहते हैं कि आगे पेजेस पे तुम चले जाओगे जब, तो ये जो स्पेस है जो डिसेबल पीपल के लिए है, ये खत्म हो जाएगा और वो जगह, वो स्पेस एक अच्छी जगह है, एक ऐसी जगह है जो नॉर्मल होगी तो आपके लिए, क्योंकि ये डिसेबल पीपल की जो पोइट्री है ये आपके लिए एबनॉर्मल है। एक्चुअली आई डोंट सी एनी ऑफ दोज पोम्स राइट नाउ माई सेल्फ, But you never know when one might show up. So we have to keep this space open. तो कहते हैं कि ये जो disabled people की जो poetry है, मुझे तो यहाँ पे कोई और poetry नहीं दिख रही, कोई और poem नहीं दिख रही, और पता नहीं ये space reserved है, मतलब इस space पे अगर हम disabled people को poetry या कुछ work नहीं देंगे तो ये space खाली रहेगी, कोई normal poetry यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। अब ये कहते हैं कि ऐसे ऐसा क्यों है कि स्पेस खाली रहेगी, कोई और स्पेस में नहीं आएगा, कोई क्योंकि कोई और हमारी तरह या हमसे जुड़ना ही नहीं चाहता, हमें एक नॉर्मल जो एरिया है, नॉर्मल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें कोई इंक्लूजन ही नहीं देना चाहता। यू कांट ऑलवेज टेल जस्ट फ्रॉम लुकिंग एट देम विद, समटाइम्स दे लुक जस्ट लाइक अ रेगुलर फॉर्म व्हेन दे रोल इन। ये कहते हैं कि अगर आपको पता नहीं हो ना कि ये स्पेस डिसेबल पीपल की पोइट्री के लिए या लिटरेरी वर्क के लिए रिजर्व्ड है, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये एक एबनॉर्मल पोम है। द एबनॉर्मल इज विद इन कोट्स, क्योंकि वो एबनॉर्मेलिटी का जो आइडिया है वही गलत है। द डिसेबल पीपल आर नॉर्मल इन देयर ओन सेल्फ एंड हम उनको एक एबनॉर्मल नगाह से देखते हैं, दैट इज आर फॉल्ट। तो कहते हैं कि जब आप पोएम देखना ऐसी पढ़ना स्टार्ट करोगे जो एक डिसेबल पर्सन ने लिखी होगी, तो हो सकता है कि आप ना पहचान पाओ कि ये किसने लिखी है। यू आर रीडिंग अलॉन्ग एंड सडनली एवरीथिंग चेंजेस, पर पढ़ते पढ़ते एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा। द वर्ल्ड टिल्ट्स अ लिटिल, एंगल ऑफ विजन जंप्स, योर एंट्रेल्स आरंट
वेयर यू लिफ्ट देम। तो कहते हैं कि ऐसा लगेगा कि दुनिया पलट गई हो, आपका जो एक एंगल है चीजों को समझने का, एक जो नजरिया है वही बदल जाएगा, आपके जो हाव भाव है वो बदल जाएंगे, वैसे नहीं रहेंगे जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था तब थे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डिसेबल पीपल होंगे उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है टूवर्ड्स द वर्ल्ड, इट इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज दे हैव लिव्ड देयर लाइफ इन अ डिफरेंट वे। अगर भगवान ना करे, सोचो कि किसी कोई कोई पर्सन ब्लाइंड ही पैदा हुआ है, ठीक है, उसने अपनी पूरी लाइफ डार्कनेस में बिताई है, सो द आइडिया ऑफ डार्कनेस इज नॉर्मल टू हिम, इट इज नथिंग अब नॉर्मल। पर जो उसका नजरिया होगा वो चीजों को सुनने से ज्यादा पहचानता होगा कि किस चीज की कैसी आवाज होती है, जब हवा चलती है तो ऐसी आवाज आती है, बारिश आती है तो ऐसी आवाज आती है, सो एक एंगल ऑफ विजन इज डिफरेंट। तो आप जब वो पोएट्री पढ़ोगे तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन का एंगल ऑफ विजन समझ आएगा कि वो कैसे दुनिया को देखता है, कैसे समझता है। रिमेम्बर, सडनली क्या होगा आपको याद, वो पोएम पढ़ते पढ़ते उनकी वो इतना दुख दर्शा रहा होगा, आपको एकदम से याद आएगा कि योर आंट डाइड, कि आपकी कोई आंट शायद कभी उनकी डेथ हो गई थी जब वो आपकी एज की ही थी, कैंसर से उनकी डेथ हुई थी, एंड मे बी यस्टरडे स्ट्रेंथ मीन्स समथिंग आफ्टर ऑल। क्या पता कल जो कोई इंसिडेंट हुआ था वो कुछ रीजन था, कि हो सकता है कि आपके साथ भी कोई अनहोनी हो जाए। यू आर स्लॉपी, फ्रेजाइल हार्ट बीट अ लिटिल फास्टर एंड देन यू नो, यू जस्ट नो द पोएम इज राइट वेयर इट बिलोंग्स। और सोचो मैं कैसी पोएम पढ़ रही हूँ जिसमें एक डिसेबल्ड पर्सन बता रहा है कि कैसे वो एक हैप्पी नॉर्मल लाइफ जी रहा था और सडनली एक कार एक्सीडेंट ने उसकी पूरी दुनिया उलट के रख दी, और ये सोच के आपका स्लॉपी एक बिल्कुल भोला और फ्रेजाइल बहुत कमजोर सा जो हार्ट है वो ज्यादा तेज धड़कने लगेगा, और उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल, अगेन विद इन कोट्स, एक नॉर्मल पोम नहीं है, और आप समझ जाओगे ये पोम वही है जहाँ होनी चाहिए थी, इन द रिजर्व प्लेस फॉर डिसेबल्ड पीपल। दैट वॉज एंड ऑफ आर वीडियो। थैंक यू गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।